आज की वीडियो में आपको आलिया भट्ट के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलिया भट्ट रिसेंटली क्यूट सी मदर बनी है और 10th of November को वो अपनी बेबी गर्ल के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर गईं, जहां पर रणबीर कपूर ने उनके लिए और अपनी बेटी के लिए ग्रैंड वेलकम सेलिब्रेशन रखा हुआ था, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और अब 15th of April को उन्होंने अपनी फर्स्ट पोस्ट लगाई है आफ्टर बिकमिंग ममा। जी हाँ, मॉम बनने के बाद आलिया भट्ट ने अपनी फर्स्ट पोस्ट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लगाई है। इससे पहले उन्होंने अपनी 6th of November को अपनी बेटी की अनाउंसमेंट की पोस्ट लगाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो मदर बन चुकी हैं, उनके घर में एक नन्ही परी आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी इस बर्थ अनाउंसमेंट को अपने फैंस के साथ शेयर किया था। और अब उसके बाद आलिया भट्ट ने अपनी फर्स्ट पोस्ट शेयर की है और वो इतनी अच्छी और इतनी क्यूट पोस्ट है कि जिसको देख कर देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट अपने न्यू रोल को कितना ज़्यादा प्राउडली ग्लोर कर रही हैं और कितना ज़्यादा प्राउडली ओन करती हैं। आलिया भट्ट ने एक पिक्चर शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक ऑरेंज कलर का कप है जिसके ऊपर ममा लिखा हुआ है और आलिया भट्ट पीछे बैठी हुई हैं। आलिया भट्ट ब्लर हैं लेकिन उनका कप फुली फोकस में है जिसके ऊपर ममा लिखा हुआ है। और साथ में आलिया भट्ट ने नीचे कैप्शन में लिखा है कि इट मी, यानी कि वो अपने ममा के रोल को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, वो इस सब को बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि कपूर्स और भट्ट फैमिली ये नहीं चाहती कि फिलहाल आलिया भट्ट की बेबी की पिक्चर पब्लिक में आए और इसलिए नो पिक्चर पॉलिसी उनकी बेबी गर्ल के लिए रखी गई है। और शटरबग्स भी उनकी बेबी की कोई पिक्चर ले नहीं पाए क्योंकि उन्हें भी मना कर दिया गया था। लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत जल्दी अपनी बेबी की पिक्चर अपने फैंस के साथ खुद शेयर करेंगे क्योंकि वो ये सब कुछ खुद करना चाहते हैं, किसी मीडिया पर्सन के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू अपनी बेबी की पिक्चर को वो लीक नहीं करना चाहते। आप आलिया भट्ट की इस क्यूट पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।